हेलो यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल द डेली गर्ल शिप्रा। सो ये वीडियो होने वाली है सरोजिनी नगर मार्केट की वीडियो, बट ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सरोजिनी नगर मार्केट जाके मार्केट का टूर नहीं कराने वाली, ना ही मैं आपको समर कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, ना ही मैं जो सरोजिनी नगर से मटेरियल लाई, आइटम्स लाई, जैसे कि ज्वेलरी, कपड़े, मैं आपको वो भी नहीं दिखाने वाली इस वीडियो में। बट फिर भी ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल। हुआ ये कि थोड़े दिन पहले मैंने सरोजिनी नगर की 3-4 वीडियोस डाली थी, तो उसमें मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लिखे कि यहाँ पे वेस्टर्न वेयर मिलता है कि नहीं, समर कलेक्शन कैसी आई हुई है, या फिर यहाँ पे पार्टी वेयर ड्रेसेस मिलती हैं कि नहीं, बेस्ट टाइम क्या है सरोजिनी नगर जाने का। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आए, तो मैंने एक एक करके कमेंट पे उनका आंसर दिया है। बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस होंगे, बट वो कमेंट करके तो नहीं पूछते। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। तो ये होने वाली है एक सरोजिनी नगर की बिगिनर्स की शॉपिंग गाइड, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ। वैसे मैंने उन वीडियो में भी पूरी पूरी कोशिश करी है आपको मार्केट के बारे में बताने के लिए, बट फिर भी जब लोगों के कमेंट्स आए तो मुझे लगा मुझे एक सेपरेट वीडियो इस पर बना देनी चाहिए, और ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर क्लियरली दे पाऊँ और आप लोगों के जो भी डाउट हैं मार्केट को लेकर वो क्लियर हो पाए। तो इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर इस वीडियो में कोई ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं जो मैं कवर नहीं कर पाती, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर वो क्वेश्चन लिखना, मैं फिर से आपको रिप्लाई करूँगी और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वहीं पे एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि आगे मैं जो भी वीडियोस डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, द डेली गर्ल शिप्रा के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आई डी है। तो चलिए लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो अपनी सारी सरोजिनी नगर मार्केट की वीडियोस पे जाकर, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो मुझे लगता है कि लोगों ने रिपीट करके पूछे हैं या लोगों के माइंड में उससे रिलेटेड डाउट हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लिए हैं ताकि मेरे से कुछ भी मिस ना हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो ये आता है कि हमें पता है सरोजिनी नगर करके एक मार्केट है, बट कहाँ पे है, पहुँचा कैसे जाए? तो हाउ टू रीच सरोजिनी नगर मार्केट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। सो सरोजिनी नगर मार्केट है साउथ दिल्ली में, और ईजिएस्ट वे है इस मार्केट पहुँचने का मेट्रो। देखिए, अगर आप सरोजिनी नगर के एरिया में रहते हैं या आसपास के एरिया में रहते हैं तो कैब या ऑटो से आप आ सकते हैं इजीली, बट अगर आप दूर रहते हैं, दूर एरिया में रहते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सरोजिनी नगर मार्केट को एक्सप्लोर करने और यहाँ पे शॉपिंग करने, तो आप इजीएस्ट वे ले सकते हैं मेट्रो का। मेट्रो में स्टेशन आपको उतरना है सरोजिनी नगर मार्केट, जो कि है पिंक लाइन, और आपको गेट नंबर 2 से एग्जिट करना है। गेट नंबर 2 से जैसे ही आप निकलेंगे, आपको उसके बाद ऑटो या रिक्शा लेने की कोई जरूरत नहीं है, पैदल ही मार्केट है, आपको गेट से निकलते ही मार्केट दिखने लगेगी। सो ईजिएस्ट वे तो हो गया मेट्रो पकड़ के सरोजिनी नगर स्टेशन पे उतरना और आना। अगर आपकी मेट्रो येलो लाइन सूट कर रही है तो आप INA स्टेशन पे उतर सकते हैं, वहां से आप कोई भी बैटरी रिक्शा लेकर इस मार्केट तक पहुंच सकते हैं। सो दो मेट्रो स्टेशन है। अगर आपको एकदम मार्केट में आना है तो सरोजिनी नगर मार्केट पिंक लाइन मेट्रो पकड़िए, और अगर आपको INA वाला स्टेशन येलो लाइन सूट करिए तो आप INA पे उतरिए और वहां से ऑटो रिक्शा लेकर आप इस मार्केट तक इजिली पहुंच सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आती है, मार्केट पहुंच गए बट टाइमिंग तो पता होना चाहिए मार्केट का। तो यहाँ का टाइमिंग है 11 बजे सुबह से लेकर रात के 8-8:30 तक अच्छी खासी ये मार्केट लगी रहती है, बट 8:30 के बाद थोड़ी थोड़ी शॉप्स बंद होने लगती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि ये मार्केट किस दिन बंद होती है, तो सरोजिनी नगर मार्केट किसी भी दिन बंद नहीं होती, बस ये होता है कि मंडे को काफ़ी सारे शोरूम्स बंद होते हैं, जैसे कि
आपकी बड़ी बड़ी पार्टी वेयर ड्रेसेस की शॉप्स होती हैं या वेस्टर्न वेयर के शोरूम्स होते हैं वो आपको बंद दिखेंगे, बट सारी जो एक्सपोर्ट की मार्केट होती है, जो स्ट्रीट मार्केट होती है, वो वैसे ही लगी रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक बैग का शोरूम है तो वो अपने शोरूम के ही आगे स्टॉल लगाते हैं थोड़े उन बैग्स का जो थोड़े डिफेक्टिव होते हैं, 800-900 के जो वो रेगुलर बेसिस पे बैग सेल करते हैं वो ही वो मंडेस को 300-400 के बेचते हैं। सो मंडे को कुछ शोरूम्स बंद होते हैं बट मार्केट लगती है। अगर आप मंडे को आएंगे तो मंडे को भी आपको समर कलेक्शन मिलेगी और बाकी चीजें भी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा वो था कि बेस्ट टाइम आपके अकॉर्डिंगली क्या है सरोजनी नगर जाने का और बेस्ट डे क्या है सरोजनी नगर जाने का। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंगली भी और जनरली भी एक फैक्ट है कि मार्केट में वीक डेज में ही इतनी भीड़ रहती है तो वीकेंड में यानी कि सैटरडेज एंड संडेज को तो वो भीड़ डबल हो जाती है। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप वीक डेज में मार्केट जाएं, मंडे टू फ्राइडे अगर आप मार्केट जाएंगे तो आप अच्छे से मार्केट को एक्सप्लोर कर पाएंगे, अच्छे से शॉपिंग कर पाएंगे। वहीं आप अगर सैटरडेज एंड संडेज वीक एंड को या हॉलीडे वाले दिन जाते हैं तो आपको इसकी जो जितनी भीड़ वीक डेज में होती है उसकी डबल भीड़ आपको मिलने वाली है उन दिनों। तो वीक डेज में जाना इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। इसी चीज के साथ एक और चीज जुड़ी है, लोगों ने मुझसे कमेंट करके ये भी पूछा कि आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट टाइम क्या है। तो देखिए फुल फ्लेज मार्केट लगनी शुरू हो जाती है 11 बजे और उसके बाद, तो आप बाय 11:30-12 तो मार्केट पहुंच जाइए। इससे क्या फायदा होगा कि शॉपकीपर्स क्योंकि यू नो अभी मॉर्निंग हुई है तो वो अच्छे से बार्गेन भी कर लेते हैं और आपको जो भी चीजें हैं आप अच्छे से वो देख पाएंगे और खरीद पाएंगे। भीड़ धीरे धीरे जैसे दिन आगे चलता है भीड़ भी उतनी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी अच्छी शॉपिंग हो पाएगी और उतनी अच्छी चीजें आप देख और समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास आया वो था कि क्या सरोजनी नगर मार्केट में हमें नॉर्मल फंक्शन के लिए लहंगे मिल जाएंगे या पार्टी वेयर ड्रेसेस मिल जाएंगी। तो जी हाँ, सरोजनी नगर में ऐसे बहुत सारे शोरूम्स हैं जहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग लहंगे मिल जाएंगे, साड़ीज मिल जाएंगी, सूट्स मिल जाएंगे, गाउन्स मिल जाएंगे। तो पार्टी वेयर ड्रेसेस हो, पार्टी वेयर जो भी कपड़े होते हैं वो सब आपको सरोजनी नगर में मिल जाएंगे। सरोजनी नगर मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है तो हर तरीके की कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलने वाली। अगर आपको वेस्टर्न समर कलेक्शन चाहिए तो आप स्ट्रीट मार्केट में कहीं पे भी देख सकते हैं, आपको अमेजिंग डेनिम की बहुत सारी चीजें, जैकेट्स, स्कर्ट्स, आपको जीन्स चाहिए टॉप, वन पीस, मिडी, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको सूट मटेरियल चाहिए तो जैसे ही बिक्सी शोरूम से आप एंटर करते हैं ग्रेफिटी लेन में और दूसरे एंड से आप निकलते हैं तो सामने बहुत सारे आपको ऐसे शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर सूट के मटेरियल्स मिलते हैं। वहीं पे बाबू मार्केट अगर आप जाते हैं तो प्लाजो पैंट्स के साथ अमेजिंग उनके पास कुर्ती कलेक्शन होती है और बहुत सारे सूट सेट्स होते हैं और वहाँ पे भी आपको सूट मटेरियल मिल जाएंगे। तो आप चाहे इंडियन वेयर की बात करें, पार्टी वेयर की बात करें या वेस्टर्न वेयर की बात करें, आपको सब मिलने वाला है सरोजनी नगर में। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, सरोजनी नगर मार्केट विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरोजनी नगर मार्केट में पार्किंग है कि नहीं, हम आएंगे अगर अपने कन्वेंस से तो गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। तो सरोजनी नगर पार्किंग में ऑथराइज पार्किंग है NDMC की बहुत बड़ी और वहाँ पे बाबू मार्केट के पीछे ही एक मॉल है साउथ स्क्वायर मॉल, वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग है तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वीक एंड्स में क्योंकि मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है, वीक एंड्स में अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा क्राउड होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं आपकी गाड़ी को इन लेने में और फिर गाड़ी आउट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो बेस्ट वे तो मेट्रो ही है यहाँ पे आने का या फिर आप कैब या ऑटो से आइए। ये तो थे कुछ डाउट्स जिनको मैंने क्लियर करने की कोशिश करी अपनी इस वीडियो में, बट क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बिगनर्स के लिए शॉपिंग गाइड टू सरोजनी नगर, तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स भी आपको देना चाहूँगी कि आप अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करिए। वैसे तो सरोजनी नगर मार्केट में बहुत सारे ATMs हैं बट जब भी आप उस ATM में कैश निकालने जाएंगे तो बड़ी बड़ी लाइन लगी रहती है, तो मार्केट में ऑलरेडी इतना
क्राउड होता है ऑलरेडी, आपको 2-3 घंटे तो नॉर्मली जल्दी जल्दी में ही लग जाते हैं शॉपिंग करते हुए, तो आप अगर उस लाइन में खड़े होंगे तो आपका 1 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। सो बेस्ट वे है कि आप अपने साथ इतना कैश कैरी करें कि आपको कहीं पे भी एटीएम की लाइन में लगने की जरूरत ना पड़े। सेकेंड जो टिप है वो मेरी है, बागिन 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 बागिन। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको ये बता चुकी हूँ कि आप सरोजिनी नगर अगर आए तो हर चीज़ का रेट जो है शॉपकीपर्स थोड़ा सा ऊपर करके बताते हैं, आप ट्राई करिए और उसको थोड़ा लोअर डाउन करने की कोशिश करिए, बेस्ट प्राइस में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। थर्ड जो मेरी टिप है इस वीडियो में वो है, देखिए अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको वहाँ से खरीदना है, जो भी शॉपिंग करनी है वो तो अपने अकॉर्डिंगली आप टाइम लेंगे, बट आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल के आइए, जैसे कि 3 से 4 घंटे तो मिनिमम आपको लगने ही वाले हैं पूरी मार्केट देखने में और अच्छे से शॉपिंग करने में और पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करने में। तो इतना टाइम आप लेकर आइए, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना प्लान शेड्यूल कर सकते हैं। So, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करी। अगर अभी भी ऐसा कोई डाउट है जो मैंने इस वीडियो में क्लियर नहीं करा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करके आपको उसका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, यूजफुल भी रही होगी। आगे भी ऐसी वीडियोज देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।